किसे खबर थी कि महज 400 खेमों पर मुश्तमिल ये खाना बदोश कबीला मुस्तकबिल में तारीख की सबसे मजबूत और तवील सल्तनत की बुनियाद रखेगा। भूख प्यास और सर्दी से नबज़ दाज़मा रहने वाला और इससे भी बढ़कर दुनिया की दो बड़ी ताकतों मंगोल और बाज़ंतिनी सल्तनत से हर वक्त जंग के खतरात में गिरा। खुरासान में डेरे डाले हुए ये भी एक आम सही कबीला था जिसे कई बार हिजरत पर मजबूर किया गया। इन मुश्किल हालात ने इस कबीले को दो वाज़ह ग्रोहों में तकसीम कर दिया, एक वो जिन्होंने अपना पेट पालने और जमाने के गर्म सर्द से अपने आप को महफूज रखने का फैसला किया, जबकि दूसरा वो कि जिसने हर तरह की आजमाइशों से नबज आजमा होते हुए साबित कदम रहने का फैसला किया। फिर तारीख ने देख लिया कि इस कबीले के सरदार के वो बेटे जिन्होंने अपने मकसद पर जान बचाने को फौकियत दी, जंग उन पर भी मुसल्लत हुई लेकिन आज तारीख में उनका नाम कोई नहीं जानता, जबकि गाजी अर्तगल जिसने अपनी जिंदगी इस्लामी सल्तनत के क्याम और उसके फैलाव के लिए वक्फ कर दी थी वो तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ अमर हो गया। जब कबीले के मुआशी हालात अपने बदतरीन सतह पर थे और हर कोई इसको भूख अफलास और हैबतनाक दुश्मन से डरा रहा था, इस इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में इसने अपनी जद्दोजहद शुरू की और उस अजीम शान सल्तनत की बुनियाद रखी जिससे मजबूत और तवील सल्तनत कुर्रे अर्ज ने आज तक नहीं देखी। जी हां, वही सल्तनत उस्मानिया जो 600 साल से जायद अरसे तक बरकरार रही, ये उसी के बानी उस्मान गाजी के बाप का तस्करा है। उसको जब सोगूत शहर से निकाल दिया गया तो उसके साथी ने उससे पूछा कि क्या हम दुश्मनों से अपना शहर वापस छुड़वा सकेंगे। इस मुश्किल वक्त में इसने तारीखी जवाब दिया कि हमारी जद्दोजहद महज सोगूत को छुड़वाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर एक अजीम शान मुमलिकत के क्याम के लिए है। जितना बड़ा मकसद हो हमें सोच भी उतनी बड़ी रखनी चाहिए और जितनी बड़ी सोच होगी कामयाबियां भी उसी के मुताबिक मिलेंगी। चुनाचा उसने खुद तो नहीं लेकिन उसके बेटे उस्मान अव्वल ने इसका यह ख्वाब पूरा किया और सल्तनत उस्मानिया कायम होकर रही। ऐ वो लोगो जो कमजोर मईशत और दुश्मन की हैबतनाकी को जिहाद से दूरी की वजह बताते हो, तुम्हारे लिए तारीख में बहुत से असबाक पिन्हा हैं। सुलेमान शाहओलु Ertuğrul, bilinsin ki bu topraklarda zulüm ve korku ortadan kalkmış, yerine adalet gelmiştir. Kimseyi kimseden ayırt etmeyeceğiz. Gayrı hepimiz sulh içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yurdumuzu, ticaretimizi adaletle güçlü kılacağız. Bu topraklardaki herkes inancında ve ibadetinde hürdür. Adalet, hürriyet, sükunet, birlik. İşte yasamız budur. Amin.